और वहीं नोएडा को फरीदाबाद और गाजियाबाद से सीधे जोड़ने के लिए बन रहे एफएनजी पर बहलोलपुर अंडरपास का काम इन दिनों तेजी से जारी है। जानकारी दे दें कि इस प्रोजेक्ट पर 30 करोड़ से भी अधिक की लागत आ रही है। 700 मीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का काम अगले महीने पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जहां फरीदाबाद की दूरी कम होगी, वहीं ट्रांसपोर्ट नगर को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। और इसके क्या फायदे होंगे, इस बारे में प्रोजेक्ट के जूनियर इंजीनियर सौरभ ने जानकारी दी है। इसमें सबसे पहला फ्लाईओवर अंडरपास ये होगा। ये छजारसी की तरफ से हम चलेंगे तो छजारसी से निकलते ये शुरुआत होगी इसकी। और इसकी प्रोजेक्ट हमारा 700 मीटर लंबाई में है। और ये आप पीछे देख रहे हैं, इधर बहलोलपुर गांव है और हमारे लेफ्ट साइड में है सेक्टर 63, 64, 65। तो इधर बहुत समस्या रहती थी पहले, ये जगह काफ़ी समय से छूटी हुई थी। अंडरपास और ये फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट प्रस्तावित था। अब ये काम एक साल से यहाँ पर चल रहा है और यहाँ से बहलोलपुर की तरफ से काफ़ी लोग इंडस्ट्रियल सेक्टरों में आते जाते हैं, उनको काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। किसी भी शहर की समृद्धि उसकी सड़कों से पता चलती है। मैं इस समय मौजूद हूँ नोएडा में, और नोएडा में ये इलाका ये गाजियाबाद से जुड़ता है। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना नोएडा प्राधिकरण की है, जिसको हम एफएनजी के नाम से जानते हैं। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ये छिजारसी का इलाका पड़ता है जो NH-24 से मिलता है, और ये सीधा आते हुए इस समय मैं बहलोलपुर के पास में मौजूद हूँ। और ये एक फ्लाईओवर बन रहा है, इसके यहाँ अंडरपास है, ये दूसरी तरफ भी, ये सारा डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में ये गांव है, ये बहलोलपुर गांव है। इस गांव को भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देने का, अगर इधर कहूँ मैं तो ये ट्रांसपोर्ट नगर है, जो नोएडा में एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है। ये सारा ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया है, और वाहनों को अंदर ना आना पड़े शहर में, शायद इसके लिए ये व्यवस्था की गई है ताकि एफएनजी से जोड़ा जाए। अगर किसी को फरीदाबाद जाना है तो यहाँ से सीधे फरीदाबाद के लिए निकल जाए, और यहाँ से अगर गाजियाबाद जाना है तो सीधे गाजियाबाद के लिए निकल जाए। फरीदाबाद को सुगम बनाने के लिए, नोएडा को जोड़ने के लिए एक औद्योगिक नगरी की स्थापना तभी संभव है जब उसकी बेहतर कनेक्टिविटी हो। और शायद इसी बात को लेकर ये प्रोजेक्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है उन पर काम चल रहा है। और सड़कों का जाल कहीं ना कहीं एक जीवन रेखा की तरह बनता हुआ जा रहा है, और ये आम आदमी से निश्चित तौर पर जुड़ती हैं। समय से प्रोजेक्ट चलने चाहिए और समय से प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।